सबसे पहली बात तो सर ये है कि आज बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली के एलजी साहब ने दिल्ली की जनता को मजबूर कर दिया कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज 40 से 42 डिग्री के तापमान में यहाँ पे हमें बिठा रख रखा है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली के एलजी साहब को। हम एलजी साहब से क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को मांगे। हमारी मांगे कोई नाजायज़ नहीं हैं। हमारी मांगे सिर्फ 3 मांगे हैं। पहली तो जो राशन है उसकी होम डिलीवरी हो, दूसरी मोहल्ला क्लिनिक और अन्य फाइलों को पास किया जाए। क्या देश दिल्ली एक अन्नपूर्ण राज्य नहीं है? आज दिल्ली के पास पुलिस तो है, आज दिल्ली के सीएम के पास पुलिस नहीं है, आज दिल्ली के पास अधिकारी तो हैं लेकिन काम करने वाले नहीं हैं, आज दिल्ली की जनता के पास बड़े बड़े अधिकारी तो हैं लेकिन दिल्ली को उसके अधिकार नहीं हैं। आप मुझे बताइए कि दिल्ली की जनता ने हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, कैबिनेट मंत्री श्री गोपाल राय जी को आज इस देश के प्रधानमंत्री जी ने और एलजी साहब ने मजबूर कर दिया। पिछले 22 घंटों से उनके घर पे बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए एक दिल्ली की सरकार, स्टेट की सरकार के खुद मुखिया वहाँ धरने पे बैठे हैं। या वो यहाँ पे काम करेंगे या वो आपके धरने पे बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केजरीवाल साहब काम नहीं करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं होना चाहिए, उसका होना चाहिए भारतीय जुमला पार्टी, क्योंकि वो जुमलों वाली पार्टी है। 15 लाख बताइए कहाँ है, 15 लाख बताइए कहाँ है। मैंने अपना अकाउंट खुलवा रखा, अभी तक 15 लाख नहीं आए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा उससे। 15 लाख कहाँ हैं? तो ये भारतीय जुमला पार्टी है और देश में जितने भी कानून दिल्ली के अंदर जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो अरविंद जी की राय से नहीं, देश के प्रधानमंत्री की राय से बनाए जाते हैं। दिल्ली की सरकार को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कितने शर्म की बात है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री हम लोगों का भला ही तो चाहते हैं? आज हम यहाँ पे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि आज हमें शर्म आ रही है अपने आप पर। नरेंद्र मोदी जी भी भला चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो सबका साथ, अगर सबका विकास चाहते होते तो विदेशों में नहीं घूम रहे होते, अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास पे दिल्ली के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं। विदेशों से बहुत नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं इंडिया के अंदर, उन टेक्नोलॉजी से सबका साथ सबका विकास होगा। ये बताइए आप मुझे, उस टेक्नोलॉजी का क्या काम जिस देश के अंदर युवाओं को पकौड़े बेचने पर मजबूर किया जा रहा है? इस टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे हम लोग? हम पकोड़े बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, पान बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं विदेश से मोदी जी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा? उस टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, कृपया देश के प्रधानमंत्री जी और दिल्ली के एलजी साहब शर्म कीजिए, और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और गोपाल राय जी की बातों को सुनिए। अपने घर से निकलिए, अगर आप नहीं निकल सकते तो चूड़ी पहन के घर में बैठिए और दिल्ली की